दोस्तों चलिए बनाते हैं साबूदाने मूंगफली और मिर्ची से बनी हुई बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें साबूदाना ले लेना है। साबूदाना मैंने 1 कप लिया है और 1/2 कप मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है। जो साबूदाना है दोस्तों ये छोटे साइज़ वाले हैं, आप चाहो तो बड़े या मीडियम साइज़ वाले साबूदाना भी ले सकते हो। एक बाउल के अंदर हमें मूंगफली और साबूदाने को डाल देना है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि साबूदाने में स्टार्च रहता है, यानी कि जो साबूदाना होता है वो एकदम चिपचिपा सा होता है, तो सबसे पहले हमें इसे 2-3 पानी से अच्छे तरीके से धो लेनी है ताकि इसका स्टार्च थोड़ा निकल जाए। यहाँ पे मैंने दोस्तों हाथों की हेल्प से इसे मलमल कर धो लिया है। अब हम इसके अंदर फ्रेश पानी डालेंगे और इसी पानी में साबूदाने को अच्छे से फूलने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाला है और जो साबूदाने हैं दोस्तों मैंने जो साबूदाने लिया है ये छोटे साइज़ के हैं, तो इसे फूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 15 से 20 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाल दिया है, इसे ढककर हमें 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देनी है। अब हमें 3 मीडियम साइज़ के आलू को ले लेना है। यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल किए हुए लिया है दोस्तों। इन आलू को हमें कद्दूकस कर लेनी है। तो दोस्तों साबूदाने से बनी हुई रेसिपी खाना किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आलू की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है। और दोस्तों 20 से 15 मिनट हो चुका है। अब हमें साबूदाने को चेक करना है। तो ये देखिए दोस्तों साबूदाने और मूंगफली अच्छे तरीके से फूल चुकी है। आपको मैं ये तोड़कर दिखा रही हूँ दोस्तों, ये देखिए ये अच्छे से मैश हो रहा है। अब हमें मूंगफली को निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने फूले हुए सारे मूंगफली को निकाल लिया है। एक छलनी के अंदर हम साबूदाने को डाल देंगे और इस छलनी में सारे साबूदाने को फैला देंगे ताकि इसके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इस छलनी से अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने को अच्छे से फैला दिया है। दोस्तों आज की फुल रेसिपी देखने के बाद अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम एक प्लेट के अंदर साबूदाने को डाल देंगे। तो यहाँ पे सारे साबूदाने का पानी अच्छे से निकल चुका है। हाथों की हेल्प से साबूदाने को मैश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे साबूदाने को मैश नहीं किया है, मैंने आधे साबूदाने को अच्छे से मैश किया और आधे को मैंने इसी तरीके से रहने दिया है। ये देखिए दोस्तों अब हमें बॉईल किए हुए जो आलू थे जिसे मैंने कद्दूकस किया था वो हमें इसके अंदर डाल देनी है। अब हमें कुछ ड्राई मसाले लेना है दोस्तों, जैसे कि 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा ले लेना है, चुटकी भर हमें दोस्तों काली मिर्च लेनी है, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे खड़ा ज़ीरा लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नमक ले लेनी है। मसाला अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, और अगर कुछ एक्स्ट्रा मसाला डालना है दोस्तों तो अपने हिसाब से डाल सकते हो। 2 मीडियम साइज़ के हरी मिर्च को बारीक कटे हुए इसके अंदर डाल देनी है, और फूले हुए जो मूंगफली थे उसे हमें पीस लेनी है।
तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर कर मूंगफली कुटा हुआ डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है दोस्तों, इसलिए मूंगफली तो ज़रूरी डालना। यहाँ पे मैंने मूंगफली डाल दिया है। अब हमें 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन ले लेनी है। तो दोस्तों लहसुन आप चाहो तो डाल सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो। एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कटे हुए डाल देनी है। लहसुन और प्याज अपने हिसाब से डाल सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने इसे डाल दिया है दोस्तों, और अब हमें सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेनी है। ये सारी चीज़ें साबुदाने में अच्छे से मिल जाएगी और ये इतना चिपचिपा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि साबुदाने के पानी को अच्छे से मैंने निकाल लिया था और साबुदाने अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसे हमें अच्छे तरीके से मिला लेनी है। तो अब हमें दोस्तों बारीक कटे हुए धनिया पत्ता इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता इसके अंदर डाल लिया है। इसे भी हमें अच्छे तरीके से इसमें मिला लेनी है। अब हमें इसका छोटा छोटा लोई बना लेनी है। लोई अपने हिसाब से, यानी कि जो बॉल होते हैं वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो दोस्तों। मैंने यहाँ पे 2 तरीके का बॉल्स बनाया है। चाहो तो आप इस तरीके से भी बॉल बना सकते हो या फिर दोस्तों इस तरीके से टिक्की के शेप में बना सकते हो। दोनों ही तरीका बहुत ही अच्छा है। टिक्किया बनाने से पहले दोस्तों हमें तलत्ती में इस तरीके से अच्छे से दबा दबा कर प्रेस करना है ताकि किनारे से फटे ना। तो मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिया है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। तो हमारा टिक्किया यहाँ पे रेडी है। अब हमें एक पैन के अंदर सरसों के ऑयल को डालना है और इसे हमें मीडियम आंच पर ऑयल को गरम कर लेना है। अब हम इसे आहिस्ते से डालेंगे। इसे हमें मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है। आप चाहो तो इन टिक्कियों को एयर फ्राई भी कर सकते हो या फिर इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो। इसे हमें 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो दोस्तों 1 मिनट हो चुका है। अब हम इन टिक्कियों को पलटेंगे और आप ये देख सकते हो हमारा जो टिकिया है वो एकदम पैन से अलग है और एकदम चिपका नहीं है और ये हल्का हल्का शैलो फ्राई हो चुका है। तो दोस्तों जो साबूदाने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं बच्चों के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, और जो डायबिटीज़ पेशेंट रहते हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये साबूदाने। साबूदाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, जब मैंने ये बनाया तो मेरे घर में सब ने बहुत ही ज़्यादा शौक से खाया और आप ये देख सकते हो दोस्तों साबूदाने बहुत ही अच्छे से हमारे दानेदार बने हैं और एकदम खड़े खड़े हैं। सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों वो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा इन टिक्कियों में डाल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और इसे हमें पलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए दोस्तों एकदम ये अलग है और इसे हमें आहिस्ते से एक एक टिक्के को निकाल लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो हमारा टिकिया है कितना क्रिस्पी हुआ है और कुरकुरा हुआ है। तो दोस्तों आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी अच्छी लगे, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ अब एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।